बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से समाधान यात्रा पर हैं। वाल्मीकि नगर से नीतीश कुमार ने अपनी इस यात्रा की कल शुरुआत की और गांवों में हुए विकास के काम की तारीफ भी की। लेकिन न्यूज 24 आपको तस्वीर का दूसरा पहलू भी दिखाएगा, कैसे रातों रात इस गांव की तस्वीर बदल गई, देखिए इस रिपोर्ट में। मकसद सत्ता हथियाना हो या फिर मिली हुई कुर्सी को महफूज रखना, देश की सियासत फिलहाल यात्रा पर लट्टू हो चली है। पूरे 17 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज सीएम नीतीश कुमार भी कड़ाके की ठंड में बिहार घूमने चल पड़े, समस्याओं का समाधान ढूंढने निकल पड़े। मानो 17 साल की सत्ता भी समाधान के लिए छोटी हो। अल सुबह बगा के दरु आवारी गाँव में दाखिल हुए नीतीश कुमार ने सबसे पहले थरुहट विकास अभिकरण के वर्क शेड का शिलान्यास किया। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने वाली सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत गेट बांटा, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का निरीक्षण किया, नल जल योजना, जल जीवन हरियाली योजना का हाल जाना। गांव की महिलाएं नीतीश कुमार की आमद से झूम उठी। यहाँ महिलाएं जो हैं ये मुख्यमंत्री से बात कर रही थी, बात करके अपनी समस्याएं की थी। और क्या बात हुई है मुख्यमंत्री से? वो रोड बनना चाहिए दरवाबारी से टंकी बाजार तक, बहुत दिक्कत होता है जाने में। और क्या मांग हुआ? दरवाबारी गांव का जो नहर है दोन कैनाल, दरवाबारी गांव से अब वाल्मीकि नगर 3 आडी पुल तक ले हम लोग को रोड चाहिए। ठीक है सर, जाने आने अभी क्या क्या काम हुआ गांव में? काफी काम दिख रहा है गांव में। हाँ तो जितना हुआ है तितना सब ठीक हुआ है, लेकिन वही हम डिमांड किया गया है, रोड का डिमांड किया गया। हाँ रोड का निर्माण किया जाएगा। और निवेदन है मुख्यमंत्री साहब से कि हम लोग का सरकारी हॉस्पिटल चाहिए और बच्चा के पढ़ने के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए। दरु आबारी गांव की चमक देख नीतीश कुमार का भी चेहरा खिल उठा। सीएम ने इलाके की सूरत बदलने का दावा किया, मीडिया की मौजूदगी में खुद ही अपनी पीठ थपथपाने लगे, सरकार की योजनाओं का गुणगान करने लगे। अलग अलग जिलों के विभिन्न जगहों पर जहां संभव जाएं और वहां जा करके देख, हमने देखा कि जिन जगहों पर पहले कितना काम किया गया, काम में कोई बाधा आ गई या काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, अगर काम पूरा हो गया तो आगे और क्या होना चाहिए, इसी को देखने के लिए हम आए ही हैं। ताज देख लिए हम यहां पहले भी, आप लोगों को मालूम है यहां संतुष्ट हुए कि नहीं आप? नहीं, हाँ तो बहुत अच्छा ही लग रहा है, ये तो जन रहे जान करके। और कहे जो काम कहे हुए हैं वो काम ने तुरंत अधिकारियों को कह दिया कि भाई क्या देरी हो रहा और जल्दी से जल्दी करके, अब इसका रास्ता बनाना था तो वो अब रुका हुआ था। क्या देखिए सर, जमीनी हकीकत क्या देखिए सर? हाँ नहीं वही तो है, जमीनी हकीकत की बात तो कही देखो, वो सब तो कह ही रहे हैं सब, लेकिन एक जो गरीब गुरबा तबका है उसके लिए जो करना है। दरअसल स्थानीय प्रशासन को पहले ही बता दिया गया था कि सीएम साहब गांव में पधारने वाले हैं और अधिकारियों का अमला सुशासन बाबू को खुश करने के अभियान में जुट गया। मुख्यमंत्री महोदय गांव में आते इससे पहले ही पिछड़ेपन की सारी निशानियां काफूर हो गईं, गलियों की सूरत बदल गई, गांव का कायाकल्प हो गया। ये देखिए शौचालय गांव में बनाया गया है, सड़कें बनाई गई हैं और इसके अलावा जो यहाँ पर जल जीवन हरियाली के तहत जो यहाँ तालाब बनाए गए थे उसकी भी निगरानी करेंगे। और ये पूरा जो गांव है आप देखिए पूरी तरीके से, ये वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट के ठीक पास का इलाका है यहाँ पे, और यहाँ पे जो वाल्मीकि नगर गंडक बैराज है उस। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, नीतीश कुमार की यात्रा के लिए गाँव में कई गरीबों के घर उजाड़ दिए गए, शीतलहरी में उन्हें प्लास्टिक में रहना पड़ा। गाँव की जिस चकाचक सड़कों पर सीएम साहब इतरा रहे थे उसकी हालत 24 घंटे पहले क्या थी ये भी देख लीजिए। कड़ाके की ठंड में ग्रामीणों से तालाब की सफाई कराई गई, गलियों में ईंट की सोलिंग हुई, हर पोल पर सोलर प्लेट लगा दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कोई सार्वजनिक सभा नहीं है, उनको डर है कि कोई काला झंडा ना दिखा दे, कोई पत्थर ना फेंक दे, कोई शिक्षक आकर नारा ना लगाने लग जाए, कोई 10 लाख के नौकरी की मांग ना करने लग जाए। इसलिए केवल ये यात्रा जो है वो केवल समीक्षा बैठक है पदाधिकारियों के साथ, जिसको यात्रा देने का तो कोई तुकी नहीं था। आप प्लेन से या गाड़ी से जाकर भी आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वो कर सकते थे। न्याय के साथ विकास करने का, कानून का राज स्थापित करने का, ये सुशासन न्याय के
के साथ विकास कानून के राज का 13वीं कर दिए, उसकी 13वीं तो ये कर दिए, और 13 यात्रा के बाद 14वीं यात्रा की जरूरत कहाँ है। इनके आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि अगर जो वो सफल रहता तो फिर इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं रहता। बगहा से नीतीश कुमार का कारवां बेतिया पहुंचा। कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम ने अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा बैठक की, जीविका दीदियों से भी फीडबैक लिया। समाधान यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर से बगहा और बगहा के बाद बेतिया पहुंचे हैं। बेतिया उन्होंने जीविका दीदियों के साथ बैठक की और इस बैठक के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। वाल्मीकि नगर में उन्होंने कई गांवों का दौरा किया था, गंडक के कटाव को भी देखा था, इसके अलावा जो गांव में चल रही सरकारी योजनाएं हैं उनकी हकीकत को भी जाना था, और उसके बाद जीविका दीदियों के साथ भी बैठक में कई फीडबैक मिले और उन फीडबैक के आधार पर वो लगातार अधिकारियों के साथ बैठक की, और इसके बाद अब मुख्यमंत्री सीतामढ़ी रवाना होंगे जहाँ उनका आज रात्रि विश्राम है, और कल शिवहर और सीतामढ़ी की समीक्षा बैठक करने के बाद वो पटना रवाना हो जाएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पहले ही कह दिया था कि अगर गांव की हकीकत देखनी है तो बिना बताए पहुंचे, और वही हुआ दरु आबारी गांव में।